हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ अपने चैनल पर, ये है एक बहुत ही टेस्टी डेजर्ट और ये है एक्चुअली एक फ्रूट क्रीम। मतलब इंडिया में तो ये फ्रूट क्रीम बहुत यू नो इजीली मिल जाती है मार्केट्स में, ठीक है, बट आई एम हियर इन कैनेडा तो मेरे लिए यहाँ पर इसको फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको घर पे बनाया जाए और आप सब लोगों के साथ शेयर करा जाए। एंड ट्रस्ट मी, जो आप मार्केट से फ्रूट क्रीम खाते हो ना, इसका टेस्ट उससे मैं कहूँगी ज़्यादा ही है। तो उसके लिए ये ज़्यादा है कि नहीं टेस्टी, आपको ट्राई करनी पड़ेगी रेसिपी। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं कुछ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में मैंने लिया है कीवी, स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स है, और मेरे पास बनाना है। एंड उसके साथ ही में हमें तीन चीज़ें और चाहिए। तो मैंने ली है विप क्रीम, और ये जो विप क्रीम है ये 33% है और ये 1 लीटर विप क्रीम है। और इस विप क्रीम के लिए मैंने ये ली है आइसिंग शुगर। जो ये आइसिंग शुगर है ये 1.5 कप है। मैं आपको कप दिखा देती हूँ, दिस वन। तो ये 1.5 कप आइसिंग शुगर लिया मैंने, और साथ ही में लिया मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट, जो कि मैंने लिए 4 फुल टेबल स्पून। ओके, तो बस अब इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज करके हम एक बहुत ही अच्छी फ्रूट क्रीम रेडी करेंगे। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो विप क्रीम मैंने आपको दिखाई थी उसको मैंने एक ये बड़े बर्तन में निकाल लिया है। मेक श्योर कि आप इसको बड़े बर्तन में ही निकालें क्योंकि अब हम इसको विप करेंगे। सो विप करने के लिए आपको इसको मिक्स करना पड़ेगा। आप चाहे तो ये, अगर आपके घर में विक्स अवेलेबल है, आप इसकी मदद से इसको ऐसे कॉन्टिन्यूसली करेंगे अगर मिक्स, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो ये थिक हो जाएगी। तो अगर तो आप चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप अपनी हाथों की एक्सरसाइज के लिए रेडी रहे क्योंकि आपको 30 मिनट्स लगेंगे इससे मिनिमम। और मैं जो यूज करूंगी, मैं एक नॉर्मल जो है वो एक ब्लेंडर है मेरे पास, मैं उसकी हेल्प से इस विप क्रीम को वर्क करूंगी। और आप चाहे अगर आपके घर में अवेलेबल है आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब विप करते हैं। सो आई एम गोना यूज दिस वन जो है ब्लेंडर। ओके, सो गाइस आप देख सकते हो विप क्रीम जो है वो थोड़ी सी इस कंसिस्टेंसी में आ गई है, थिक हो गई है। तो इसी पॉइंट पर आपको अपना जो हमने वनीला एक्सट्रैक्ट और जो हमारी आइसिंग शुगर है वो इसमें मिक्स करनी है। सो अब भी मैं इसमें अपना वनीला एक्सट्रैक्ट वो मैंने डाला है, और इसके साथ ही साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें आइसिंग शुगर। परफेक्ट। इस पॉइंट पर इसको डालने के बाद मैं थोड़ा इसको अपने जो है विक्स की हेल्प से ही मिक्स कर दूंगी यहाँ पर ऐसे। अभी मैं इसको ब्लेंड करूंगी और, क्योंकि अभी ये प्रॉपरली जो है क्रीम फॉर्म में नहीं आई, इतनी थिक नहीं हुई, तो अभी मैंने ये मिक्स कर दिया है। तो अभी चलिए इसको दोबारा से ब्लेंड कर दिया। पहले मैंने जो करा था, मैंने करा 4 से 5 मिनट ब्लेंड, और अब दोबारा से इसको मैं ब्लेंड करूंगी फॉर 4 to 5 मिनट्स। सो आफ्टर 3 to 4 मिनट्स इसको मैंने अच्छे से आप देख सकते हैं विप कर लिया। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विड ही थी और अब ये प्रॉपर थिक हो चुका है। हमें इसको सिर्फ इतना ही थिक करना है। तो आप देख सकते हो ऐसे। सो नाउ एट दिस पॉइंट हम ऐड करेंगे इसमें अपने फ्रूट्स, और वो भी बहुत ईजी है। आप कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया मैंने 4 फ्रूट्स यूज करे। आप एप्पल यूज करो, अगर आप चाहो तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। इट्स अप टू यू, विच एवर फ्रूट्स यू लाइक। सो एट दिस पॉइंट मैंने अपने सारे फ्रूट्स इसमें ऐड कर लिए हैं, और अभी आपको क्या करना है, आपको बहुत हल्के हाथ से अपनी सारी क्रीम को मिक्स करना है इन फ्रूट्स के साथ। तो गाइस ये बहुत इजी रेसिपी है और ये बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप इंडिया से बाहर हो कहीं भी और आप इंडिया वाली फ्रूट क्रीम मिस करते हो, तो गाइस इसको बना फ्रेंड्स ने ट्राई करी है रेसिपी यहाँ पर, मतलब मैंने उनको बना कर दी थी, एंड दे रियली रियली लाइक दैट। सो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग इसको बनाओ और मुझे बताएंगे कैसी बनी। सो एट दिस पॉइंट फ्रूट्स जो है मिक्स हो चुके हैं, तो अभी मैं इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ सम फ्रूट्स। सो
सो ये मैंने कर दी है अपनी फ्रूट क्रीम रेडी और आप लोग देख सकते हो मैंने इसको एक बॉल में डालने के बाद इसमें स्ट्रॉबेरी जो थी वो सेंटर में रख के इसको साइड से ऐसे डेकोरेट कर दिया। आप चाहो तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अनार यूज़ कर सकते हो इसको डेकोरेशन के लिए, कुछ भी, व्हाटएवर यू लाइक। तो ये लीजिए, ये बहुत क्विक एंड ईजी रेसिपी थी और बहुत टेस्टी है। मैं आप सबको फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसको ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो रेसिपी को, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी बनी है। प्लस मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और एक क्विक एंड ईजी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। सो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।